वेव मैकेनिकल मॉडल जो एटम का होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट का नाम हुआ है, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो शाई आता है, शाई इसको बोलते हैं, और वाइटल वेव फंक्शन, और वाइटल वेव फंक्शन, और वाइटल वेव फंक्शन को जब सॉल्व किया जाता है तो एन एल और एम की वैल्यू आती है। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये इसको सॉल्व करके आती है। तो सॉल्व कैसे करना है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है? तो लेकिन हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत इसके ग्राफ्स हैं, वो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो शाई को ना तीन वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनफैक्ट किसी भी फंक्शन को आप ये लिख सकते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आर आर थीटा फाई फाई। हाँ, दिस इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एंगुलर कंपोनेंट। किसी भी फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल कंपोनेंट, एक होता है एंगुलर कंपोनेंट, ठीक है? नाउ हम क्या करने वाले हैं, देखो शाई स्क्वायर जो है ना, इसका रेडियल पार्ट लेंगे हम, एंगुलर पार्ट नहीं लेंगे, हम इसका रेडियल पार्ट लेंगे। जब आप इस रेडियल पार्ट का स्क्वायर करते हो ना, इट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की। जब आप इसके इसका स्क्वायर करते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेडियस आर, एट रेडियस आर, क्या मतलब है इसका? आप एक ये न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस के आसपास एक रेडियस ले लो आप आर, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उसकी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? सो आर स्क्वायर क्या देता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है मतलब ये, ठीक है? इट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या? आर स्क्वायर। इसके ग्राफ होते हैं, देखो आपको ना ये ग्राफ पूछे जाते हैं कि ग्राफ, क्वेश्चन में ग्राफ बना के दे देगा, पूछ लेगा कि इसका ग्राफ है 1s का है, 2s का है, 3s का है, 2p का है, किसका ग्राफ है? तो मैंने सारे ग्राफ्स बना दिए, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखो ये 1s का ग्राफ है, पहले तो हमने प्लॉट किस किस के करे हैं, देखो ये हमने रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ शाई का करा ग्राफ, ये हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करा। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये ना रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये मैं बताता हूं क्या है, देखो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, देखो मैं यहां समझाता हूं आपको, ये थोड़ा ध्यान से समझना। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ओके? अब आप क्या करो, ये मैं आपको समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, पर इतना बड़ा बनाना नहीं है, ये बहुत छोटा है। दिस इज ए अनदर स्फीयर, और इसकी थिकनेस पता है कितनी है? ये डिस्टेंस है डी आर, डी आर मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, अगर मैं एक्चुअल बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, ऐसे ये आर, और ये बहुत छोटा, बहुत पतला सा, बहुत ही पतला मतलब डी आर, ठीक है ना? पर आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया डी आर, ओके? नाउ
माई ओनली क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन. ये एक शेल बन जाएगा ना, एक शेल सा बन जाएगा ना ये, इसका वॉल्यूम कितना होगा देखो. ये देखो 4 बाई 3 पाई आर। सुनो सुनो, ये स्फीयर है, ये स्फीयर का एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर. स्फीयर का, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. अच्छा ये देखो, जैसे यहां पे अपने पास एक क्यूब है, ये अपने पास एक क्यूब है, क्यूब का मान लो यहां लेंथ है ए, या ए लेंथ है बी, तो एरिया कितना हो जाएगा बेस का ए इंटू बी. वॉल्यूम कैसे निकालते हो, ए इंटू बी इंटू दिस डिस्टेंस हाइट इंटू हाइट एच, ऐसे निकलता है ना वॉल्यूम. इसी तरह से ये बेस, तो इसको ये हो गया बेस, तो इसका ये हो गया बेस का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी आ गई डी आर. हाइट इसकी डी आर है ना देखो, नहीं हाइट तो डी आर है ना, तो इसको डी आर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? सो दिस गिव्स 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल. ओके नाउ व्हाट इज आर स्क्वायर? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. आर स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. मतलब यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज आर स्क्वायर. तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज वॉल्यूम, इसको मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम को, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. नहीं हाँ, दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी. सो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस टर्म रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर. समझ में आ गई बात? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू ये आर स्क्वायर, क्या आर यहाँ पे रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस है, कैपिटल आर तो रेडियल पार्ट है स्याही का. क्लियर है? हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ रेडियस आर रेडियस आर थिकनेस डी आर. क्लियर? एंड थिकनेस डी आर, एंड दिस दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इसमें डी आर नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके अब देखो क्या है? तो हमने प्लॉट क्या क्या किया, देखो पहले तो आप ये समझो हम प्लॉट किस किस को कर रहे हैं. हम प्लॉट कर रहे हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ शाई, फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसका स्क्वायर हो गया ना, आर स्क्वायर इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इसको हम प्लॉट कर रहे हैं. अब आप देखो, अगर आप इस वॉल्यूम की बात करो, ये एक स्मॉल स्ट्रिप, ये आपने ग्राफ बना लिया, कंसिडर दिस स्मॉल स्ट्रिप, ये स्मॉल स्ट्रिप की हाइट कितनी है, ये हाइट, हाँ जितनी ये वैल्यू होगी इतनी 4 पाई आर स्क्वायर. वाई एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू उतनी होगी ना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, जो भी आर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग. एंड व्हाट इज दिस थिकनेस डी आर, ये आर है, छोटा आर है डी आर, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हाइट इंटू दिस डी आर 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू डी आर, दिस इज प्रोबेबिलिटी. वही जो शेल में जो
प्रोबेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की वो यही है. ओके चलो नाउ लेट्स कम बैक टू द ग्राफ्स कि हमको ग्राफ्स क्या प्लॉट करने हैं. देखो आपको ना नोड्स से पता चल जाएगा. नोड्स से देखो दिस इज वन एस आर आर का ग्राफ रेडियल प्रोबेबिलिटी सॉरी रेडियल कंपोनेंट ऑफ शाई का ग्राफ विद आर फॉर वन एस. ये कभी भी देखो कहीं पे भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा. ये मुझे बताओ रेडियल नोड्स कितने होते हैं वन एस में. हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन वन एस. एन माइनस एल माइनस वन. एन होता है वन एल जीरो जीरो. तो रेडियल नोड जीरो है मतलब कभी भी आर आर की वैल्यू जीरो नहीं होगी. मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा. जीरो कब होगी जब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा. तो ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता. और शुरू कहां से होता है. इन्फिनिटी से. इन्फिनिटी से शुरू होता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन पाए जाने की. समझ में आई बात. न्यूक्लियस के आसपास तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना प्रोबेबिलिटी. तो शुरू ये काफी ज्यादा से हो रहा है और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रॉन का तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है. प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है. समझ में आ गई बात. बातें अब इसका स्क्वायर करोगे तो शेप तो यही रहेगी ना. इसका स्क्वायर कर दोगे शेप तो इसकी यही रहने वाली है ना. तो ये आ गया. फिर क्या देखो अब आप इसको अगर आर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर एट दिस पॉइंट स्मॉल आर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेडियस एट दिस पॉइंट जीरो. तो ये ग्राफ फिर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा. मतलब इसको पकड़ के खींच के जीरो से स्टार्ट करा दो तो फोर पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वन एस इज दिस. समझ में आ गई बात. अब टू एस का देखो. टू एस में रेडियल नोड कितने होंगे. टू एन माइनस एल माइनस वन वन. रेडियल नोड वन होंगे मतलब ये एक बार एक्स एक्सिस को टच करेगा क्योंकि जहां पे एक्स एक्सिस को टच करता है वहां पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है. तो ये एक बार टच करेगा. शुरू तो इनफाइनाइट से हो रहा है. एक बार एक्स एक्सिस को टच करके ऐसे फिर ये जीरो को ऐसे अप्रोच करेगा. क्लियर. इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा. ये ऊपर आ जाएगा. ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा. स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना हमेशा. मान लो सपोज दिस वैल्यू इज माइनस टू. माइनस टू का स्क्वायर करोगे प्लस फोर हो जाएगा ना. ऊपर आ जाएगा प्लस फोर हो जाएगा. तो फिर ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा. शेप समझ में आ गई. एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा क्योंकि उसमें रेडियल नोड एक ही है. क्लियर होगी बात. टू एस का ग्राफ. अच्छा फिर फोर पा इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है. कुछ नहीं करना. ये पकड़ के जीरो से शुरू करा दो. बस जीरो शुरू करा दिया. ऐसे ऐसे हो जाएगा. जैसे जैसे आर बढ़ेगा पीक भी बढ़ेगी ना इसकी. जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे भी तो आर है ना. तो ये थोड़ा सा और पीक इसकी बढ़ जाएगी ऐसे. क्लियर. वो फिर वो कम हो रहा है ना. आर स्क्वायर कम हो रहा है. नीचे इसलिए आ गया. आर स्क्वायर कम हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो कम हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन की. क्लियर होगी बात. ये ग्राफ है. तो ये टू एस के लिए हो गया. थ्री एस के लिए कितने बार क्रॉस करेगा. दो बार क्योंकि उसमें दो रेडियल नोड्स हैं. एन माइनस एल माइनस वन. दो रेडियल नोड है तो शुरू तो इनफाइनाइट से होगा. एक बार क्रॉस करें यहाँ एक बार किया यहाँ दो बार करेगा. फिर आर स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा. दो बार टच करेगा ऐसे. ये बस इसको उल्टा कर दो पॉजिटिव साइड आ जाओ. दो बार टच करेगा और फिर ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बस इसको खींच के जीरो से शुरू करा दो. जीरो शुरू होगा ऐसे ऐसे. कितने बार टच करेगा. दो बार. ग्राफ देख लो. समझ में आ गया इसका. क्लियर. हाँ नेक्स्ट. टू पी का तो सिंपल सा है. देखो टू पी में नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हैं. एन माइनस एल माइनस वन. टू माइनस वन माइनस वन. रेडियल नोड जीरो मतलब वो कभी भी देखो शुरू वो जीरो से होगा. क्यों. टू पी देखो. टू पी ऐसा होता है ना. तो न्यूक्लियस तो यहाँ है तो
यहां तो इलेक्ट्रॉन जीरो ही है ना, बिल्कुल यहां पे, तो शुरू वो जीरो से होगा, फिर धीरे धीरे देखो अगर आप ऐसे जाओगे धीरे धीरे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर दूर जाओगे तो कम हो जाएगी, ऐसे बनेगा। अगर आप ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि रेडियल नोड कितने हैं, जीरो हैं। आर स्क्वायर का भी यही बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर का भी यही ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स पूछे जाते हैं, 1s 2s 3s 2b, इसका ग्राफ का। अच्छा फिर क्वेश्चन देखते हैं इसका भी। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ऑफ 1s एंड 2s और वाइटल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जहां जहां ज्यादा डार्क है वहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा, जहां जहां कलर हल्का हो रहा है वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम है। जैसे यहाँ देखो ये जीरो ही है यहाँ पे, तो ये नोड है, ये रेडियल नोड है। 2s में रेडियल नोड कितने होते हैं, n माइनस l 1, 1 रेडियल नोड होता है, ये रेडियल नोड दिख रहा है, दिस इज ए रेडियल नोड, तो ये 1s का, ये 2s का है। ओके, द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन अ रीजन रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द रीजन। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, गलत कौन सी है। 1s एंड 2s और वाइटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये बात सही है क्या, 1s और 2s स्फेरिकल हैं शेप में, दिस इज करेक्ट, स्फेरिकल ही है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, सही है बात है, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना, देखो डेंसिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, ये बात भी सही है। तो आंसर तो फोर्थ आ गया, पहले तीन तो सही थे, है ना। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अब क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब आर स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s और वाइटल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। देखो यूनिफॉर्म डिक्रीज का मतलब ये होता है, ऐसे यूनिफॉर्म डिक्रीज तो नहीं है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है क्या है, देखो आप टू एस की बात कर रहे हैं, 2s के सेंटर में खड़े हो जाओ, ठीक है ना, क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कम हो रही है, कम हो रही है ना, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर है कम हो रही है, नहीं हो रही, फिर जीरो हो गई, फिर जब और दूर गए तो बढ़ गई, तो पहले कम हो गई फिर बढ़ गई और फिर बाद में फिर कम हो गई, तो पहले इंक्रीज है, नहीं सॉरी सॉरी, पहले डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर तो यूनिफॉर्म डिक्रीज तो नहीं है ना, ये बात तो गलत हो गई। ये हमको ग्राफ भी पता है, आर स्क्वायर वर्सेस आर, पहले वो डिक्रीज होता है फिर नोड आ जाती है फिर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, फिर इस तरह से, क्लियर है ना बात, ये ग्राफ अभी तो बनाया हमने 2s का, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट।